ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के 8 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी के आला नेता ने इन पर इल्जाम लगाया है कि पार्टी की छवि को इन लोगों ने खराब किया है। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण, पुलिस कप्तान पूर्वी चंपारण और मुख्य चुनाव आयुक्त पटना बिहार को पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है। अख्तरुल ईमान ने जारी पत्र में लिखा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार प्रदेश कमेटी को जानकारी प्राप्त हुई है कि आप सभी मोतिहारी जिला यूनिट के मोहम्मद नौशाद आलम, अशरफ अली अंसारी, इकरामुल हक मुन्ना, मुबीज आलम, सुहेल जफर, मोहम्मद कासिम अंसारी, जितेंद्र तिवारी, डॉक्टर शरीफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल हैं और पार्टी के पदाधिकारियों पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आप सभी के द्वारा पार्टी और पार्टी पदाधिकारियों पर बेबुनियाद आरोप लगाने के कारण पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण पार्टी आप सभी पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिक सदस्यता रद्द की जाती है तथा पार्टी का नाम, बैनर, चुनाव आदि इत्यादि के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिन्नत टाइम्स, सबसे पहले।